हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। आप यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एनिमल किंगडम में जो फाइलम मोलस्का है, फोर में क्लास इलेवेंथ में, उसमें मोलस्का के बारे में, उसका जो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है वो उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्रख्यात दो जीव आपके सामने दिख रहे हैं। एक तो है पाइला, घोंघा जिसको बोलते हैं, और एक है यहाँ पे ऑक्टोपस। ये भी आप जीव देखे होंगे, समुद्रों में पाए जाते हैं और टेलीविजन आदि पर इसको आपने देखा होगा। तो ये जीव प्रमुख रूप से हैं और इसके कितने एग्जाम्पल हैं हम वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी जीव का जो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी शुरुआत हम करते हैं उसके हैबिटेट से। वह पाया कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, तो ये टेरेस्ट्रियल यानी भूमि पर तथा एक्वेटिक जल में रहने वाला प्राणी है, और मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर यानी कि खारे पानी और स्वच्छ पानी, या कहने की बिना नमक वाला अलवण जलीय जो है पानी, उसमें ये पाए जाते हैं बहुतायत में। और इसमें जो बॉडी लेवल इनका होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर्गन बना लेते हैं, और आर्गन लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी सिमेट्री आप समझें, ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बायोलेटरली सिमेट्रिकल का अर्थ है कि इसको दो भागों में बांटा जाए तो जो इसका आधा भाग है, जिसका हाल्फ है, वह बराबर बराबर न बटे, बराबर बराबर डिवाइड ना हो, तो बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका जो जर्मिनल लेयर है उस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रिकोर्की है, और इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म पाए जाते हैं। यह प्राणी सिलोमेट्स है, यानी इसमें सिलोम यानी प्रगुहा पाई जाती है। ये इसका जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है पूरे मोलस्कन का, पूरे मोलस्का संघ का, जो आपको बताया जा रहा है। अब इसमें देखें, ये जो फाइलम है मोलस्का, ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है जिसमें बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं। इसमें जो बॉडी है इसकी, वो हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प, सिर, इसी ये पाद और अंतरंग कुकुद में बटी होती है। अदरवाइज ये इनकी बॉडी जो होती है ये सेगमेंटेड नहीं होती है, नॉन सेगमेंटेड होती है बॉडी इनकी, खंड युक्त नहीं रहता शरीर, लेकिन तीन भागों में विभक्त रहता है, हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प में। ये जो बॉडी है वो कैलकेरियस सेल्स यानी कैल्शियम से बने हुए पर बाहरी खोल या कवच या शेल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, स्पेलिंग इसका देख लें, SHELLS है, SCELLS से सर्वथा भिन्न है। तो ये पाए जाते हैं, इनके ऊपर कैलकेरियस कवरिंग पाई जाती है इसमें, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें मेंटल पाया जाता है, मेंटल एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर जो स्किन का होता है वो इसमें मेंटल बना लेता है। यहाँ पे मेंटल देख रहे हैं आप, तो ये सॉफ्ट स्किन होता है, बहुत ही कोमल, और जो विसरल हम्प है और मेंटल है, दोनों के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। इस जानकारी को हम जब पर्टिकुलर पढ़ाएंगे इसमें पाइला, तो हम आपको बताएंगे उसका वीडियो अलग से बना करके, ये इनकी स्थिति क्या होती है और ये जो स्पेसिफिक करेक्टर हैं जिनमें पाए जाते हैं, इस वीडियो में यही बताया जा रहा इसके क्या जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, और जो आवश्यक जानकारी है इसके बारे में वो आपको बताई जा रही है। इसकी डिटेलिंग हम अलग वीडियो बना करके करेंगे। तो इसमें जो फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, इसमें पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं,
ये उपस्थित होते हैं और इसका कार्य है कि जो है रेस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो फंक्शंस है मोलस्कंस में उसको संपादित करना। फेदर लाइक गिल्स का काम यही है कि दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फंक्शंस और इसमें इंटीरियर हेड रीजन पर आगे स्पर्शक पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो वातावरण में जो होने वाले चेंजेस हैं उनको ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। और एक इसमें रेती के नुमा रेती जिह्वा या रेडुला बोलते हैं इसमें पाई जाती है। माउथ कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। रेडुला रेती जिह्वा बोलते हैं, रेती जिह्वा पाई जाती है, रेडुला इसमें पाई जाती है और एक फाइल के नुमा जो है रचना पाई जाती है और जिसके द्वारा ये जो है फीडिंग करते हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं आप देखें कि कौन कौन से जंतु हैं, बहुत सारे जंतु इसमें रिकॉग्नाइज हैं। कुछ जंतुओं के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइला घोंगा जिसको कहें, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं इनको, और पिंटाडा जिसको पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, सीप आपने देखा होगा, सीप मोती वाला वही, उसको हम कटल फिश बोलते हैं, वो भी मोलस्का संकाई प्राणी है, लोलिगो स्क्विड बोलते हैं इसको, ऑक्टोपस, डेविल फिश दैत्याकार मछली जो है इसकी आकृति बहुत बड़ी होती है तो डेविल फिश उसी कारण से बोलते हैं, एप्लाइसिया इसी के अंतर्गत आता है, सी हेयर, और डेंटेलियम जिसको टस्क सेल बोलते हैं, और कीटो प्लूरा जिसको काइटान भी बोलते हैं। ये कुछ एनिमल्स हैं इसमें रिकॉग्नाइज हैं जो इसका उदाहरण है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसका जो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है। और इसमें आप देखिए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, थ्री चैम्बर्ड इसमें हार्ट पाया जाता है, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, बहुत सारे और इसके करेक्टर हैं जो आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट भी करें इस वीडियो पर, कोई भी जानकारी से संबंधित कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।